16 × 20, 320 स्क्वायर फीट। दो रूम इसमें मैंने रखा है, ठीक है। तो दो रूम हमने इस पर कैसे रखा है, तो चलिए वो भी आपके साथ शेयर करते हो। ये 16 फीट है, ट्वेंटी फीट है, ठीक है। और उसके बाद सिक्सटीन फीट है इधर, तो इधर 20 फीट। ओके, ट्वेंटी फीट आ गया समझ में आपको। तो इसका आउटसाइड, बाहर का जो वॉल 5 इंच रखेंगे, और इसका देखिए बाहर में 5 इंच रखेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा छोटा प्लॉट है, इसलिए हमने सोच समझ के इसको बनाया है, ठीक है। से रखा है उसके बाद से रखा है, ठीक है। तो चलिए इसका भी डिटेल्स शेयर करते हैं। इसमें जो है हम देखिए, और इधर जो है से रखेंगे, तो इधर से आएगा, ठीक है। और क्या है इसमें, और एक स्टडी रूम भी है। सिंपल सा ड्राइंग है, ठीक है। इसमें कुछ हमने अलग कुछ नहीं किया है, सिर्फ सिंपल सा यहाँ पर एक सिंपल सा छोटा प्लॉट के ऊपर सिंपल सा ड्राइंग किया है। इसमें 1 बेडरूम रखा है, वह एक स्टडी रूम रखा है, और एक ओपन एरिया रखा है। जो आपको ओपन एरिया का मतलब है घर के अंदर आने के बाद जो बैठने का जगह होता है फ्रंट में, यही रखा है। ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम रखा है इसके साथ, जो आपको डाइनिंग जो है घर के आने के बाद कुछ हो सकता है आपका जो बाहर का आदमी है उसको बैठने के लिए हमने जगह रखा है। और साइड में इंटरनल पार्टीशन वॉल है, ठीक है। और इसमें हमने से रखा है इधर, ठीक है। उसके बाद हम इधर ऐसे आउटसाइड में वॉल रखा है, ठीक है। फ्रंट में देखिए ज़्यादा कम यहाँ पर जगह कम होने से हम क्या किया है, इस पर जो अटैच टॉयलेट हमने रखा है घर के अंदर, तो एक सिंगल फैमिली के लिए ये छोटा सा हाउस प्लान है, ठीक है, ओनली फॉर सिंगल फैमिली के लिए। इसलिए हमने कॉमन कोई टॉयलेट नहीं रखा है, पर डोर, पर एक डोर, डोर, डोर।
एकदम सिंपल सा है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इसमें पहले जो स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए, अब अभी हम रखेंगे यहाँ पर एक गेट, इधर से एंट्रेंस आएगा एंट्री। घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक डाइनिंग या ड्राइंग छोटा सा जगह है, ठीक है। क्योंकि डाइनिंग ड्राइंग इतना जगह में हम सेट नहीं होता है, आप ऑप्शनल हमने रखा है तो आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक स्टडी रूम रखा है, इसका भी साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 फीट 1 इंच, जस्ट स्टडी रूम 8 फीट 3 इंच, ओके। यहाँ पर एक बेडरूम, इसको भी ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं कर पाया, इधर देखिए 10 फीट 6, ठीक है। यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन यहाँ पर रखा है अटैच, तो यहाँ पर जो है 5 फीट 3 इंच और इधर 4 फीट 6 इंच। सिंगल फैमिली के लिए हमने इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो जगह मिल जाएगा काफ़ी, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके इधर भी आप एक टॉयलेट ले आ सकते हैं, इधर एक टॉयलेट, तो स्टडी रूम नहीं आएगा, पूरा डाइनिंग रूम आएगा, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, आप यहाँ पर एक स्टडी टॉयलेट यहाँ पर एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यहाँ पर किचन, फाइव फिट थ्री इंच और इधर 7 इंच, ठीक है। तो इसमें जो है 16 फीट है, इसलिए हमने यहाँ पर 16 फीट है, यहाँ पर 16 20 फीट में हम क्या करेंगे, इधर जो है यहाँ पर ऐसे हम यहाँ पर ऐसे कॉलम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कॉलम प्रोवाइड जो करेंगे, कॉलम का जो साइज़ यहाँ पर आएगा 10 इंच बाई 10 इंच और मिलीमीटर है, मिलीमीटर जो है 250 बाई 250 mm, ओके। और आउटसाइड जो वॉल आएगा इसका 5 इंच आएगा, जो मिलीमीटर में 125 mm, और इनसाइड जो है 5 इंच वॉल आएगा जो मिलीमीटर में 125 mm। हाँ, और एक बात, इसका स्टेयर कहाँ से आएगा, तो बाहर में हम स्टेयर का पोजीशन ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। इधर से हम स्टेयर का पोजीशन ऐसे रख सकते हैं, जो स्टेयर हमको ऊपर आने के लिए हम यहाँ पर स्टेयर का पोजीशन रख सकते हैं। उसके बाद इधर भी एक आएगा लैंडिंग, उसके बाद इधर से हम स्टेयर इधर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप बाहर से स्टेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने स्टेयर प्रोवाइड नहीं किया, तो यहाँ पर जो जगह था स्टेयर प्रोवाइड करने से क्या होगा, बहुत सारे जगह यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो इसमें जो है 320 स्क्वायर फीट का टोटल कॉस्ट आएगा, बिल्डिंग कॉस्ट 5 to 6 lakhs ऑल कंप्लीट, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था इसका प्लान, प्लान अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना।